एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स ऑफ मॉम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड खुश होंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है और जो यूजुअली मैं लेके आती हूँ, आज मैं एक शॉपिंग हॉल आपके साथ लेके आई हूँ, दैट टू मिंत्रा शॉपिंग हॉल, वो भी अंडर ₹700। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ₹700 में अपने लिए मिंत्रा से क्या क्या ऑर्डर करा है। तो मिंत्रा जो है ना, मेरा गो टू गो साइट है और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और अभी उसमें ह्यूज सेल चल रहा है, मतलब 75% ऑफ, इतना ज्यादा सेल चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब सेल चल रहा हो तो शॉपिंग तो करनी बनती है। तो अभी मैंने बहुत कुछ शॉप किया है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे वीडियोज लेके आती हूँ लाइफ स्टाइल, मदरहुड, वेट लॉस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं मिंत्रा शॉपिंग हॉल, और सबसे पहले बात करेंगे लोअर की। तो मैंने लोअर बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया है, दो मैंने पैंट्स ऑर्डर करे हैं फ्रॉम मिंत्रा और मुझे बहुत ही पसंद आया। सारे हाई वेस्ट पैंट्स हैं और दिस इज द वन पैंट, दिस इज द ब्रांड कॉल्ड टोक्यो टकिंस। और मुझे इनके कपड़े ना बहुत दिनों से, बहुत मतलब आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं और फैशनेबल होते हैं, ट्रेंडी होते हैं, जो ट्रेंड में फैशन में चल रहा होता है ना वैसे होता है। तो ये है एक हाई वेस्टेड पैंट जो मैंने मिंत्रा से खरीदा है। द कलर इज नॉट ऑरेंज, नॉट रेड, बीच का कलर है ये। तो अगर आपको बहुत लूज नहीं चाहिए लोअर ना, तो आप एक साइज छोटा अगर लेंगे अपने साइज से तो भी आपको चलेगा। लाइक अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल ले सकते हैं, अगर आपका वेस्ट 30 है तो आप 28 ले सकते हैं। तो और फैब्रिक भी इसकी बहुत ही अच्छी है, अभी मैंने वॉश नहीं किया इसको, बट आई वोर दिस और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और नेक्स्ट हाई वेस्ट पैंट मैंने जो मिंत्रा से लिया ना, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसको देख के तो आप कह ही नहीं सकते कि वो मिंत्रा का, मतलब एक नॉर्मल ब्रांड का है, बजट ब्रांड का है, मतलब एकदम क्लासी लग रहा है। और वो है ये हाई वेस्टेड पैंट, और इसका ये चेक प्रिंट्स हैं, और कलर मुझे इतना प्यारा लगा, वाइट, और जो इसका कलर है ना मुझे ये इतना प्यारा लगा, मैं मैंगो के स्टोर लॉन्च इवेंट में ये पहन के गई थी। Yes, because मुझे इतना प्यारा लगा। ये आते के साथ मैंने बोला यार ये तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने इतना अफोर्डेबल ये पैंट खरीदा है। इसकी फिटिंग, इसका डिजाइन सब बहुत ही क्लासी है, बहुत ही अच्छा है। वैसे सबके मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज कलेक्शन। तो ये दो पैंट्स मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए, दीज टू पैंट्स जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। और नेक्स्ट मैंने एक ड्रेस लिया है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा, और ये एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है जिसको अगर मैंने बीच पे पहना तो मुझे बहुत ही प्रिटी लगेगा, बीच वेकेशन या वेकेशन में कहीं पे भी, रिसॉर्ट वगैरह में जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पहन सकती हूँ। ये बहुत ही प्रिटी है, प्रिंट्स बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसा फ्लोरल मुझे एक चाहिए था। और ये ऑल्टरनेट गला है इसमें और पीछे से बिल्कुल ओपन है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्लासी लगा। और दूसरी चीज़, इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है और इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है। आई वेयर मे बी इन सम वेकेशन, जब मैं कोई किसी ट्रिप में जाऊंगी तभी मैं पहनूंगी इसको। नेक्स्ट मैंने कुछ टॉप खरीदे हैं फ्रॉम मिंत्रा ओनली, और दिस इज अ ब्लैक टॉप फ्रॉम मिंत्रा। तो ये नीचे थोड़ा सा फ्लोरल है और पीछे कम्प्लीटली ओपन है और एक जिप दिया हुआ है, तो ये इतना सा ही क्लोज है। और इसकी जिप में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, ओपन मेरा एक बार हो गया था। तो ये टॉप भी मुझे बहुत ही प्रीटी लगा। और अभी मैं एक इवेंट पे गई थी, वहाँ मैंने इसके साथ इसको पहना था जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था और मुझ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिस इज द अनदर टॉप विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा। तो ये मैंने ऐसे ही घर में पहनने को लिया है, बिकॉज गर्मी अभी आ रही है, बैंगलोर में यहाँ गर्मी हो चुकी है तो इसके लिए समर आ चुका है, तो ये समर का। और मुझे इसके प्रिंट्स और कलर अच्छे लगे थे और काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लिया है। ये भी फ्रॉम मिंत्रा ही है और ये भी कुछ 250 और 300 के अराउंड का ही है, प्राइसेस सबके आई विल मेंशन इट। और दिस इज आल्सो वेरी नाइस टॉप, मुझे ये भी बहुत ही प्रिटी लगा। आई वॉट अनदर टी शर्ट, दिस इज अ टी शर्ट फ्रॉम मिंत्रा, और ये है मार्क्स एंड स्पेंसर का, जिसको मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। और इसके मैंने ऑलरेडी, मतलब मेरे पास ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, तो इसमें मुझे ये लाइट पिंक कलर में मिल रहा था तो मैंने ले लिया, और डिस्काउंट में मिल रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि ये टी शर्ट जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, आई मीन बॉडी फिटेड है और
मुझे ऑलरेडी मेरे पास था तो मुझे पता था कि इसकी क्वालिटी कैसी है और फिटिंग कैसा है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और नॉर्मल डेज में ऐसे ही पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। सो नेक्स्ट वन इज दिस शर्ट। दिस इज अ प्रिंटेड शर्ट विथ अ पफ्ड स्लीव्स। तो ये शर्ट भी फ्रॉम मिंत्रा ही है और ये है फ्रॉम द ब्रांड प्लस एस करके, प्लस एस कलेक्शंस ऐसे ब्रांड का नाम है। मुझे तो ये प्रिंट्स अच्छे लगे और शर्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। मुझे शर्ट्स पहनना बहुत ही पसंद है तो इसको मैंने विथ स्कर्ट ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने इसको स्कर्ट के साथ पेयर अप किया था, बट इसको आप डेनिम के साथ किसी के भी साथ, बहुत ही वर्सेटाइल होता है शर्ट जो होता है ना वो। मेरे पास शर्ट बहुत सारे हैं और मुझे बहुत ही पसंद है शर्ट पहनना। और शर्ट के साथ आप कुछ भी मिक्स एंड मैच करके उसको, मतलब एक शर्ट को आप चार पांच तरीकों से पहन सकते हो, तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेरी शॉपिंग थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं ऐसे शॉपिंग हॉल्स आपके लिए लेके आती रहा करूंगी और ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलरली आपके साथ शॉपिंग हॉल्स भी शेयर करूँ बाकी वीडियोज की तरह। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा ड्रेस, शॉर्ट, टॉप, कुछ भी जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ बाय, टेक केयर, बाय बाय।